हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करूंगी। अर्थात हमें किसी धातु संकुल का ऊष्मागतिक स्थायित्व और गतिज स्थायित्व, इसका अध्ययन करना है। आज के लेक्चर में हम इससे संबंधित जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो स्टडी करेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक टॉपिक डिटेल में लेकर के उसको स्टडी करेंगे। हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अगर मेटल लिगेंड्स के साथ कंबाइन करती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेटल और लिगेंड्स रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, यानी कि क्रियाकारक, जबकि कॉम्प्लेक्स क्या है, जो इन दोनों के मिलने से बना वो प्रोडक्ट है। और हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच जो ऊर्जा संबंध है वो स्टडी करना है। हम जानते हैं कि ऊर्जा का सर्वाधिक सामान्य रूप ऊष्मा है। ऊर्जा के जो अन्य रूप हैं, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विकिरण ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा और केमिकल एनर्जी। और आप समझ ही रहे हैं कि इस अध्याय में हमारा इंटरेस्ट रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी को डिटेल में पढ़ने का है। साथ ही हम संकुल की जो आंतरिक ऊर्जा है, जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी आंतरिक ऊर्जा, इससे संबंधित स्टडी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई यौगिक या कोई कॉम्प्लेक्स है। अगर उस यौगिक में काफी समय तक किसी तरह का कोई परिवर्तन न हो, यानी अगर हमने उसको रख रखा है, स्टोर कर रखा है, तो वो एज इट इज रहे, समय के साथ वो चेंज ना हो, वो पदार्थ किसी भी तरह से अपघटित ना हो, वो अपना अस्तित्व बनाए रखे, या हम कह सकते हैं कि हम उसे लंबे समय तक स्टोर कर सकें, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, स्थाई मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि हम अपने घरों के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, तो वो क्या है, स्थाई है, क्योंकि ना तो उसके रूप में कोई परिवर्तन आ रहा है, ना वो अपघटित हो रहा है, उसका जो अस्तित्व और उसके गुण हैं वो भी लंबे समय तक उसी तरह से बने हुए हैं, हमने उसे अच्छे से स्टोर किया हुआ है। तो हम ऐसे पदार्थों को और ऐसे उनसे बने हुए कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कह सकते हैं, वो स्थाई हैं। लेकिन इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ये जो व्यवहार है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो परिस्थिति से चेंज हो जाता है, एनवायरमेंट से चेंज हो जाता है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसे हम स्थाई मान रहे हैं, लेकिन दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में वो अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है। हो सकता है कि किसी एनवायरमेंट के अंदर या किसी मीडियम में वो अनचेंज्ड रहे और दूसरे मीडियम में वो अपघटित या डिकम्पोज हो जाए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ए परिस्थिति में अनचेंज्ड रहता है, यानी कि अगर हमने उसको उसका जो मीडियम या जो दूसरा कंपोनेंट है वो ए लिया है तो वो अनचेंज्ड है, और दूसरे में वो डिकम्पोज हो जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये मैंने लिखा है एक कॉम्प्लेक्स जो कि कॉपर का और अमोनिया से मिलकर के बना है, इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। ये एक स्थायी संकुल है, लेकिन अगर हम इसको जल में डिसॉल्व करते हैं तो ये स्टेबल रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एसिडिक मीडियम में रखने पर ये अपघटित हो जाता है। तो अब हम इसे क्या मानेंगे कि ये स्थायी है या ये अस्थाई है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्थायी संकुल है, इनिशियली हमने इसको स्थायी माना, जो जल में तो स्थायी है लेकिन अम्लीय माध्यम में ये अस्थायी हो जाता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम काम में लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसलिए स्टेबिलिटी को अब हमने दो तरह से क्लासिफाई किया। पहली है काइनेटिक स्टेबिलिटी या गतिज स्थायित्व, और दूसरा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या ऊष्मागतिक
स्थायित्व। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अब हम दो हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी, आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? इसमें हम अभिक्रिया की गति, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी गति क्या है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि काइनेटिक स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। ये क्लासिफिकेशन जो हम काइनेटिक स्टेबिलिटी का करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? रिएक्शन पूरा होने के समय के आधार पर, यानी वो रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं टॉबे, उन्होंने दो नई टर्म्स दी। कौन कौन सी टर्म्स? लेबाइल या चंचल और इनर्ट या अक्रिय। अभी तक जो हम पढ़ते आए थे वो हम पढ़ते आए थे स्थाई और अस्थाई। तो उन्होंने अस्थाई के स्थान पर जो टर्म दी वो क्या दी? लेबाइल। और स्थाई के स्थान पर क्या दी? इनर्ट। लेबाइल का मतलब चंचल और इनर्ट यानी कि अक्रिय। अब हम यहां देखते हैं कि काइनेटिक स्टेबिलिटी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक चंचलता या लेबिलिटी और अक्रियता या इनर्टनेस। सपोज हम किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं और वो प्रतिस्थापन एक मिनट में पूर्ण हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? चंचल कहेंगे या लेबाइल कहेंगे। लेकिन अगर उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यानी उस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अधिक समय लगता है तो वो क्या कहलाएगा? अक्रिय यानी कि इनर्ट। वो कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा? इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, जिसको कि हम एक स्थायी पदार्थ मान रहे थे, लेकिन जब हमने इसको जल में डाला तो वो स्थायी रहा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में इनर्ट है। लेकिन अगर हमने इसको अम्लीय माध्यम में रखा तो वो डिकम्पोज हो गया था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लेबाइल है यानी कि चंचल है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में आप देखिए कि हमारे पास में एक मेटल है और इस मेटल के साथ में n नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि MLN यहां पर शो किया हुआ है। अब आप यहां देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, स्टेबल यानी कि स्थाई और अनस्टेबल यानी कि अस्थाई। यहां आप इस रिएक्शन को देखिए, यहां पर मेटल और लिगेंड्स मिलकर के जब MLN कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, जो है वो अधिक हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्थाई है तभी ये यहां पर बन रहा है। या दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, ये अभिक्रिया कैसे चलेगी? अग्र दिशा में, अगर ये अग्र दिशा में चलेगी तो ये MLN कॉम्प्लेक्स आसानी से बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स स्थाई होगा। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के दूसरे हिस्से की, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? अस्थाई है। अस्थाई कब होगा? जबकि मेटल और लिगेंड के साथ मिलकर के जो कॉम्प्लेक्स बना वो स्वतः ही अपघटित हो जाए। अगर ये स्वतः अपघटित होगा तो वापस से ये क्या बना देगा? मेटल और लिगेंड, यानी कि ये ब्रेक होएगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा और ये वापस इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं उसमें चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स का स्वतः अपघटन होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन होता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये स्थाई नहीं है और इसे हम क्या कहेंगे? अस्थाई कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में जाए,
यानी ये आप देखिए जो नीचे वाला एरो है जो रिवर्स डायरेक्शन का है, ये कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स जो है वो अस्थाई है, इसका स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन या स्वतः अपघटन हुआ। स्वतः अपघटन होने से रिएक्शन बैकवर्ड चली, रिवर्स डायरेक्शन में चली और मेटल और लिगेंड्स के अंदर ये टूट गई। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, अस्थाई है। अब बात ये आती है कि एक कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा सबको होता है वो ये है कि जैसे टॉबे ने नई टर्म्स दी लेबाइल और चंचल, लेबाइल किसके स्थान पर दी, अनस्टेबल के स्थान पर दी, यानी कि लेबाइल का मतलब जिसमें रिएक्शन फास्ट होगी। अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास उसके आसपास की टर्म है अनस्टेबल, तो हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। यानी कि किस किस में नहीं रखना है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स स्थाई है या वो अक्रिय है, ये दोनों का समान होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह से अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है तो वो जरूरी नहीं है कि लेबाइल हो। तो इसका मतलब एक जो कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि काइनेटिकली वो अक्रिय